कारगिल प्रधानमंत्री जवान दीपावली पाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9 वर्ष धरी मोदी जवान दीपावली पालन कर आज मोदी जवान को साक्षात करने चा पीबार कार्यक्रम रही पूर्वर मध्य मोदी दीपावली अवसर में सीमार भिन्न भिन्न पोस्टे सेना सह दीपावली पालन कर सारी एथर दीपावली अवसर में प्रधानमंत्री कहते आम युद्ध को सर्वदा शेष विकल्प भाव ग्रहण करांति विश्वास रखू किंतु शक्ति बा सामर्थ्य बिना शांति संभव नुहे। प्रधानमंत्री कहते जितेबले भी भारत शक्ति बढ़ी थाए से विश्व शांति एवं समृद्धि संभावना बढ़े। मोदी कहते देशर सुरक्षापी आत्मनिर्भरशील भारत अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं विदेशी अस्त्रशस्त्र उपरे आमर निर्भरशीलता सर्वनिम्न होबा उचित। भारत उपरे खराब दृष्टि पकाइले देशर तीन सेना उचित जवाब देबे बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुद अपने हाथों से सैनिकों को मिठाई खिलाते हुए और ये उनका चिर परिचित अंदाज है। एक और मातृभूमि की ममता में मिट्टी और दूसरी ओर उसे चंदन मनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी जांबाज नौजवान, इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी और कहां आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। साथियों, शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है, पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से आप सब जवानों के बीच से मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव, यही कारगिल ने भी किया था।